हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैटमैन और साइबर के नाइटमेयर्स को, कि उनके नाइटमेयर्स की असल में क्या हकीकत है और उनका जस्टिस लीग में क्या पार्ट है। और ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि जैक स्नाइडर के मुताबिक जस्टिस लीग पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और अब बिना टाइम को वेस्ट कर चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो सीक्वेंस वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब बैटमैन अपने बैट केव में होता है तब उसे एक नाइटमेयर सीक्वेंस दिखता है, यानी कि एक ख्वाब। ख्वाब में पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है, तकरीबन सब कुछ ही खत्म हो गया है, कुछ ही लोग बचे हैं और ऑलमोस्ट हर एरिया डेजर्टेड है। और इसका मतलब यही है कि डार्क साइड ने इस वर्ल्ड पर कब्जा कर रखा है सुपरमैन को अपने साथ मिलाकर। हम देखते हैं कि बैटमैन एक बंकर से निकलता है। इसका यही मतलब है कि बैटमैन अंडरग्राउंड रहता है, क्योंकि ऊपर की दुनिया में डार्क साइड का कब्जा है और पैरा डीमंस हर वक्त वहां होते हैं। हम देखते हैं कि बैटमैन की खुद की आर्मी है सन्स ऑफ बैटमैन, और बैटमैन किसी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सुपरमैन को हराने के लिए बैटमैन को क्रिप्टोनाइट की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर वो सुपरमैन का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन की आर्मी में अब रॉबिन है, कैरी केली। कॉमिक्स में कैरी केली लास्ट रॉबिन थी जब बैटमैन 55 इयर्स का था, तब वो 13 साल की बच्ची थी। लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में कैरी केली थोड़ी बड़ी दिखाई है। अब अगर मूवी की तरफ आए तो हमने एक जगह देखा था जहां रॉबिन का सूट दिखाया जाता है बैट केव में, और उसका यही मतलब था कि ये रॉबिन मर चुका है, तो उसके बाद जो रॉबिन बना होगा वो यकीनन कैरी केली ही है। तभी हमें पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में वो बैटमैन के साथ दिखाई गई है। और तभी हम देखते हैं कुछ लोग वहां आते हैं और बैटमैन उनसे पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया है। यहाँ बैटमैन क्रिप्टोनाइट की बात कर रहा होता है, और तब वो देखने जाता है तो पता चलता है कि वो क्रिप्टोनाइट नहीं बल्कि ग्रीन बल्ब होते हैं, और वो लोग बैटमैन को धोखे से फंसाने आए हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों में सुपरमैन की आर्मी भी शामिल होती है, जिन्हें कॉमिक्स में द रेड केव्स का नाम दिया गया है, और वो लोग बैटमैन की आर्मी को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पैरा डीमंस भी आकर उन पर अटैक करते हैं। और तभी हम देखते हैं कैरी केली बैटमैन की हेल्प के लिए आती है, लेकिन उसे सुपरमैन की आर्मी पकड़ लेती है और बैटमैन को भी। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन को एक जगह कैप्चर करा हुआ है और सुपरमैन वहाँ लैंड करता है और बैटमैन के साथियों को अपनी लेजर से मार देता है। और सुपरमैन कहता है कि शी वॉज माई वर्ल्ड, यानी कि लुइस मेरी जिंदगी थी और तुमने उसे मार दिया। और इसके बाद वो बैटमैन के दिल पर हाथ रखकर उसके आर पार करके उसे मार देता है। और तभी ब्रूस वेन अपने ख्वाब से उठता है और देखता है कि उसके सामने फ्लैश है। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, लुइस लेन ही की है, क्या मैं जल्दी आ गया हूँ? तुम उसके बारे में सही कहते थे कि हमें उससे डरना चाहिए, हमें ढूंढो ब्रूस। तभी अचानक ब्रूस की वापस आंख खुल जाती है और ब्रूस यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि हुआ तो हुआ क्या, ये कौन आया था, क्योंकि तब तक ब्रूस फ्लैश के बारे में जानता नहीं था। तो ये देखा था हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। अब बात करते हैं जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग की, जिसमें बैटमैन वंडर वुमन को बताता भी है कि मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें सब कुछ खत्म हो चुका है, और बैरी एलन तब एग्जैक्टली यहाँ पर था और वो मुझसे कह रहा था कि लुइस लेन इज द की। तब वंडर वुमन कहती है कि लुइस की ही वजह से सब सही हुआ है, हो सकता है बैरी इसी के बारे में वार्न करने आया हो। तो बैटमैन कहता है मुझे लगता है कि कुछ इससे भी ज्यादा बड़े खतरे के बारे में। अब बात करते हैं जब जस्टिस लीग सुपरमैन को जिंदा करने वाली होती है, तो हम देखते हैं कि साइबॉर्ग एक डिफरेंट टाइप का फ्यूचर देखता है जहां उसे दिखता है डार्क साइड, और वंडर वुमन मर चुकी है और डार्क साइड वहां अपनी स्पेसशिप से आता है। एक्वामैन को डार्क साइड मार देता है और वो अपनी ओमेगा बीम से एक एटलांटियन को भी मारता है। और गाइस, यहां नोट करने वाली बात ये है कि जब वो ओमेगा बीम उस एटलांटियन को लगती है तब वो फौरन झुलस जाता है और बस उसका स्केलेटन बचता है। और हम देखते हैं कि सुपरमैन के हाथों में उसी तरह स्केलेटन है और वो उसे पकड़कर रो रहा है। ये यकीनन लुइस लेन होगी, और लुइस लेन प्रेग्नेंट भी थी, तभी सुपरमैन बहुत ज्यादा दुखी है। और आसपास गौर करने से पता लगता है कि ये बैट केव है, क्योंकि राइट साइड पर जो सूट हमें दिख रहा था वो रॉबिन का है, जिसे हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखा था। और वहाँ डार्क साइड आकर सुपरमैन के कंधों पर हाथ रखता है, जैसे वो उसको अपनी साइड आने का इशारा दे रहा हो। फिर हम देखते हैं कि जस्टिस लीग का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है, और वहाँ किलवॉक जो कि एक लैंटर्न है उसकी डेड बॉडी पड़ी है, मतलब द फ्यूचर में डार्क साइड से लड़ने के लिए ग्रीन लैंटर्न्स भी अर्थ पर आते हैं।
और वंडर वेमेन की शील्ड भी दिखती है और एक्वामैन का ट्राइडेंट भी, और सुपरमैन एविल बन चुका है और उसके हाथों में बैटमैन का कटा हुआ सर होता है, मतलब उसने वहां सबको मार दिया है। और वहीं हमें एक कटा हुआ कार्ड भी दिखता है जिसको मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ यही हुआ होगा कि डार्क साइड ने सुपरमैन पर एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करा होगा उसे अपनी साइड लाने के लिए, तभी सुपरमैन ने इन सबको मार दिया। अब जिनको एंटी लाइफ इक्वेशन का नहीं पता तो वो मेरी वीडियो देख लें जो कि एंटी लाइफ इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन पर है। अब हम देखते हैं बैटमैन का नाइटमेयर सीक्वेंस। यहाँ पर बैटमैन, डेड स्ट्रोक, मीरा, साइबर्ग और फ्लैश टीम बन चुके हैं और बाकी जो सुपर हीरोज हैं वो मर चुके हैं। बैटमैन कहता है कि हमें जल्दी करना होगा वरना वो यहाँ आ जाएगा। मीरा कहती है कि उस बास्टर्ड को यहाँ आने दो, उसने आर्थर के साथ जो किया है मैं उसके साथ वही करूँगी, इसे उसके सीने में उतार के। और बैटमैन कहता है कि मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो। तब मीरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुमने कभी किसी को खोया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जोकर भी मौजूद होता है और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ इसे डेफिनेटली पता है, इसने अपने फादर को खोया, अपनी मदर को खोया और इसने अपने अडॉप्टेड बेटे को भी खोया है। यानी कि वो रॉबिन की बात कर रहा है जिसके सूट को हमने साइबर के नाइटमेयर सीन में देखा था। और यहाँ कैरी केली को सुपरमैन की आर्मी ने कैप्चर कर रखा होगा क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के नाइटमेयर में जो हमने देखा था उसमें कैरी केली को मारते हुए नहीं दिखाया, तो मे बी वो जिंदा हो। जोकर बैटमैन को एक कार्ड देता है और कहता है जब तक ये कार्ड तुम्हारे पास रहेगा हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, और अगर तुम्हें मुझे मारना हुआ तो इस कार्ड के दो टुकड़े कर देना। और दोस्तों इस कार्ड के दो टुकड़े हमें साइबर के नाइटमेयर में भी देखे थे जब सुपरमैन बैटमैन का कटा हुआ सर लेकर जा रहा था। तो ये वाला बैटमैन का नाइटमेयर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले नाइटमेयर का प्रीक्वल है। बैटमैन के जोकर के साथ डिस्कशन चल ही रही थी कि हम देखते हैं वहां सुपरमैन आता है और गुस्से में होता है बहुत। टीम भी खुद को रेडी कर लेती है उससे लड़ने के लिए और तब सुपरमैन की आंखें रेड हो जाती हैं जैसे वो उनसे फाइट करने वाला है। वो कुछ करता तभी ब्रूस वेन की आंख खुल जाती है। तो ये था जस्टिस लीग का पहला पार्ट। तो जस्टिस लीग पार्ट टू में हमें यही पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिखती जो बैटमैन के नाइटमेयर्स में हमने देखी है, और पूरा पार्ट टू इसी पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट होता है। और एंड में हम देखते हैं कि जब सुपरमैन, बैटमैन और सबको खत्म करने वाला होता है तब बैटमैन फ्लैश से कहता है कि जाओ मेरे पास वाले ब्रूस को बताकर आओ कि लुइस लेन ही एक तरीका है सुपरमैन के रोकने का, सुपरमैन को अपनी साइड करने का। और ऐसा ही कुछ होता है जस्टिस लीग 3 में जिसमें हम ये देखते हैं फ्लैश टाइम ट्रेवल करता है और वो उसी ब्रूस से मिलता है जैसे हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था, और वो ब्रूस को वार्न कर देता है और फिर ब्रूस समझ जाता है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है और हो सकता है सुपरमैन हमारे अगेंस्ट हो जाए। इसीलिए अब कोई भी ऐसा खतरा आता जिसमें लुइस लेन के मरने का खतरा होता तो बैटमैन उसे बचा लेता और खुद मर जाता, यानी कि खुद को सैक्रिफाइस कर देता लुइस लेन के लिए, जिसकी वजह से सुपरमैन कभी एविल नहीं बनता और डार्क साइड की साइड नहीं जाता और वो जस्टिस लीग का लीडर बनता और डार्क साइड को हरा देता पूरी टीम के साथ मिलके। तो बेसिकली जस्टिस लीग पार्ट 3 में बैटमैन खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, तो ऐसा कुछ होने वाला था जस्टिस लीग पार्ट 2 और 3 में। जस्टिस लीग 2 पूरी की पूरी नाइटमेयर थी कि ये वर्ल्ड पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड कैसे बना और एग्जैक्टली हुआ क्या था, और हमें बैटमैन के नाइटमेयर्स भी सही तरह से समझ आ जाते हैं इस मूवी से। तो जस्टिस लीग 3 में हम ये देखते हैं कि फ्लैश टाइम में वापस भागा और जो जस्टिस लीग 2 है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई क्योंकि ब्रूस वेन ने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया, उसने खुद ही को सैक्रिफाइस कर दिया लुइस लेन को बचाने के लिए। और यहाँ पर सुपरमैन को जब पता चलता है कि बैटमैन ने लुइस लेन और उसके बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है, फिर वो लड़ता है डार्क साइड से और उसे और उसकी आर्मी को खत्म कर देता है। और फिर जब उसका बेटा होता है तो उसका नाम वो रखता है ब्रूस, ब्रूस वेन की याद में। और ऐसे ही जस्टिस लीग 3 खत्म होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैक स्नाइडर ने एक और भी चीज रिवील की थी कि सुपरमैन को जो बेटा पैदा होगा उसमें सुपर पावर्स नहीं होती सुपरमैन की तरह, तो वो आगे जाकर बैटमैन बन जाता है। तो गाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से कि बैटमैन और साइबर के नाइटमेयर्स असल में क्या थे और जस्टिस लीग पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।